दोस्तों हमें आए दिन ऐसे कई वायरल वीडियो देखने को मिलते हैं जो हमें काफी एंटरटेन करते हैं, जिनमें थोड़ा गुस्सा, थोड़ी हंसी और थोड़ा प्यार इमोशनल सब बरकरार होता है, क्योंकि हमारा भारत है ही ऐसा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के लोगों की ऐसी ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद यकीनन आपकी हंसी रुकने नहीं वाली। तो अपनी हंसी पर कंट्रोल बनाए रखें और हम शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को, जिसे देखकर आप कहेंगे यकीनन ऐसा पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों शुरू करते हैं 27 मार्च 2020 की इस वीडियो से, जिसमें आप देख सकते हैं कि एटीएम में एक आदमी मौजूद है जो एटीएम से पैसे निकालते दिख रहा है। लेकिन जब वो एटीएम से पैसे निकाल लेता है तो पास में रखे सैनिटाइजर पर उसकी नजर जाती है और वो जनाब उस सैनिटाइजर को अपनी जैकेट में रखकर चलते बनते हैं। लेकिन शायद उस जनाब को ये मालूम नहीं था कि उनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो रही है और जब ये वायरल होगी तो उनकी इज्जत का क्या फालूदा निकलेगा। दरअसल इस वीडियो को नाइला इनियात ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था और एक प्यारा सा कैप्शन लिखा कि जब आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, शायद कोई देख रहा है। अब हमारी इस वीडियो को देखिए, जिसमें उस्मान ख्वाजा और पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज सैयद अजमल का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें ये कुछ ऐसा बोलते हुए नजर आए जिसे सुनकर आप भी कहेंगे इतना कॉन्फिडेंस माशाल्लाह। जरा आप ही सुन लीजिए भाई। साइंस सेड, व्हाई द साइंस फकिंग मैन, व्हाट इज द सेंस। वीडियो क्लिप तो सुना आपने, किस तरह से ये दावा कर रहे हैं कि वो एक महीने के अंदर यंगस्टर को बेहतर गेंदबाजी सिखा सकते हैं। और तो और ये सुनिए कितने कॉन्फिडेंस ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने इन्हें बैन कर गलत किया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब तक तो हम यही सोच रहे थे कि भारत के लोगों में टैलेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान में भी एक आध लोग अपना टैलेंट दिखा देते हैं। अब इन जनाब को ही देखिए जो खाट के एक पाए को अपने मुंह में रखकर क्या करतब दिखा रहे हैं, उसके बाद ये अपना टैलेंट दिखा देते हैं, उसके बाद ये खाट को हाथ से बैलेंस करते हैं। वाह, तो देखा आपने, एक आध टैलेंट भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। अब इन जनाब को देख लीजिए, ये हैं शेख राशिद जो कि पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर हैं। दरअसल एक भाषण के दौरान जब इन्हें अचानक से करंट लग जाता है तो ये सिस्टम को दोष ना देकर सारा दोष मोदी जी पर ले फोड़ते हैं। जरा आप भी सुनिए वीडियो क्लिप्स। अब अंत में हम आपको जिस वीडियो के बारे में बताने वाले हैं उसे देखकर वाकई आपकी हंसी नहीं रुकेगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, जहाँ गलत जवाब देने पर कुर्सी पर लगी हुई लाइट जलने लगती है। और जब इन महाशय से पहला सवाल किया जाता है कि आपकी उम्र क्या है, तो पहले तो ये जनाब खूब सोचते विचारते हैं और उसके बाद तसल्ली से आंसर देते हैं कि इनकी उम्र है 40 साल 230 महीने। और ऐसे में आप हिसाब किताब लगाएं तो ये 59 साल के हुए। मुझे तो लगता है इन्हें अपनी इस उम्र को बताने में शर्म आ रही थी। खैर छोड़िए, अब इनका ये दूसरा सवाल देखिए। जब इनसे पूछा जाता है कि इनकी पहली मोहब्बत कौन थी, तो ये महाशय कहते हैं कि उनकी पहली मोहब्बत उनकी पत्नी है। और इस दौरान कुर्सी की बत्तियां जल पड़ती हैं और फिर जनाब को जो गुस्सा आता है क्या ही कहना, ये उठकर शो से ही चले जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके जाते ही एंकर मैडम को भी गुस्सा आ जाता है और वो सैंडल वैंडल फेंकती हुई कहती हैं मैंने भी नहीं करना शो। तो दोस्तों अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।